हेलो बच्चों बच्चों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस बार का जो क्लास ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आया है 2019 का फैबुलस है। बहुत बच्चों ने कमाल किया हुआ है, मेरे पढ़ाए बच्चों ने कमाल किया है और जो ऑनलाइन से जुड़े थे अपने कोर्सेज वगैरह लिया था उन्होंने भी बड़ा कमाल किया। क्लास टेंथ के भी बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, बहुत खुशी की बात है। अब इस खुशी की बात को आप तक आपको बताने में तो खुशी हो ही रही है लेकिन आपके लिए भी जो बच्चे टेंथ में हैं, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, उनका बेनिफिट कैसे हो सकता है इसकी तरफ भी हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंटेंट, जो पढ़ाई हम लोगों ने यहाँ बच्चों को करवाई है या ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े थे उनको दी है जिससे उन्होंने फ़ायदा उठा के वो आगे बढ़े हैं, शानदार रिजल्ट लेके आए हैं। मेरी इच्छा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट कर पाएँ, चाहे वो हम फिज़िकली नहीं हो, ऑनलाइन ही हो, कहीं दूर दराज किसी गांव में कोई बच्चा बैठा हुआ है, बिहार में है, पटना में है और किसी अंदर बेगूसराय में है, लखनऊ में है, गाज़ियाबाद, जलंधर, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं की बात कर लें, शहरों को भी इंक्लूड करते हैं और दूर दराज के गांवों में भी जहां पे नेट तो चल ही रहा है। इसको देखते हुए अपनी कोशिश ये है कि वो भी बच्चा जहाँ पर सुविधाएं उस लेवल की नहीं है, शायद उतना बढ़िया टीचर उनको नहीं मिल पा रहा या बच्चा किसी वजह से टीचर की पढ़ाई से सेटिस्फाइड नहीं है। शहरों में भी मैं देखता हूँ, लखनऊ से मैं बोल रहा हूँ, वैसे दिल्ली या बॉम्बे में जो बच्चे रह रहे हैं, अगर उनको लगता है कि आपकी अपने टीचर से वेवलेंथ मैच नहीं कर पा रही है, आपको एक बेहतर कंटेंट की ज़रूरत है, तो यही अपना ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको डिलीवर कर सकें। इसी सोच से कि जैसे अभी बच्चों ने फ्लाइंग कलर्स में विनिंग स्प्रिंट के साथ फैंटास्टिक रिजल्ट दिया है, आप भी वही रिजल्ट दे पाए, वही कंटेंट आपको मिल पाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि आपकी हम मदद कर सकें। तो जो कंटेंट अपना है वो सैटरडे को 8 o'clock पे, सैटरडे का मतलब हो जाएगा 11 तारीख है सैटरडे को, इसी महीने की बात कर रहा हूँ, 8 o'clock पे लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आपको दो कदम और बढ़ के मदद करने की कोशिश करूँगा मैं। अब ये जो कंटेंट है इसमें क्या है या क्या आपको मिलेगा ये बताना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप ये जान पाएं कि क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या सपोर्ट आपको ऑफर होने वाला है। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और वहाँ बताऊँगा कि किस तरह का शानदार कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है और हम आपके लिए कैसी मदद ऑफर कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं, चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन में। अब देखिए लैपटॉप के हम लोग स्क्रीन में आ गए हैं साहब और यहाँ मैं बात करूँगा। देखिए जो कंटेंट अभी अवेलेबल आपको मिलेगा वो क्लास ट्वेल्थ वालों का है, क्लास इलेवेंथ वालों का है जैसा आप जानते हैं, और क्लास टेंथ के भी कंटेंट पढ़ रहे हैं। इस तीनों में जो कंटेंट आपको मिलेगा बेटा बेटा या जो अवेलेबल है वो मैथ्स का है और फिज़िक्स का है। तो ये मैथ और फिज़िक्स आपको ट्वेल्थ और इलेवेंथ की मिल जाएगी, जो भी बच्चे जिस क्लास में उस हिसाब से बात करेंगे, और क्लास टेंथ वालों का भी मैथ्स और फिज़िक्स आपको मिलने वाला है। मैं दो सारी बातें क्लैरिटी से बताना चाहूँगा आपको। अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपको मिलता है ट्वेल्थ और इलेवेंथ में और टेंथ में भी जो आ रहा है, अपडेट हो रहे हैं, उसमें एक तो आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। ये जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं और ये अच्छी बात क्या है कि फुल कोर्स कवर करते हैं, पूरा कोर्स, फुल कोर्स आपको कवर करके देंगे, हर टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। और एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि CBSE ने अभी कुछ टॉपिक को ट्वेल्थ में मैथ्स वगैरह में, साइंस वगैरह में हटाया है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लास ट्वेल्थ की फिज़िक्स की बात करूँ तो अब आपका कम्युनिकेशन चैप्टर नहीं आएगा। कम्युनिकेशन एक लास्ट चैप्टर होता था, क्लास ट्वेल्थ की फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, वो अब आपका कोर्स में नहीं है 2020 के एग्जामिनेशन के लिए। फिर भी ये टॉपिक मैंने हटाया नहीं है क्योंकि जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं जहाँ पे चीज़ें नहीं हटी हैं वो इसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स वाले भी पढ़ाई करते हैं, NCERT की किताबें वहाँ भी चलती हैं, तो उनके लिए भी कोर्स उतना ही फ्रूटफुल रहता है। इसी तरह मैं क्लास मैथ्स की बात करूँगा क्लास ट्वेल्थ में, यहाँ पर आपको शायद मालूम होगा या कोर्स कंटेंट मैंने वीडियो बना रखे हैं, आपको नहीं पता सिलेबस तो आप यूट्यूब वगैरह पर भी जाके देख सकते हैं अरविंद अकेडमी टाइप करके। क्लास ट्वेल्थ में बाइनरी ऑपरेशन पहले चैप्टर में आता है, ये बाइनरी ऑपरेशन
रिलेशन फंक्शन में, ये अब कोर्स में बेटा नहीं है, ये मैंने बहुत एलिबरेटिव तरीके से बताया हुआ है। और इसी तरीके से आपका बर्नौली ट्रायल जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है, बर्नौली ट्रायल्स बीटी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये भी कोर्स में नहीं है। लेकिन ये मैंने लेक्चर से हटाया नहीं है, सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, स्टेट बोर्ड्स में कुछ जगह ये रह गया है, तो आप उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। ये अपडेशन था, मैंने कोर्सेज बिल्कुल नहीं हटाए हैं, जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए, कोर्स में नहीं है तो अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए। ये जो कंटेंट है इसमें बाद, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये तो वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं पूरे कोर्स के। दूसरा, हम लोगों ने इस बार आपके लिए असाइनमेंट्स या जिसे आप वर्कशीट बोलते हैं, असाइनमेंट्स या वर्कशीट, ये बना के हम लोग आपको अपलोड कर रहे हैं। ये जो असाइनमेंट वर्कशीट, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ट्वेल्थ के लिए, इलेवेंथ के लिए, क्लास टेंथ के भी बच्चों के लिए। क्लास टेंथ के जो बच्चे हैं उनके मैथ्स में दो चैप्टर पढ़ गए हैं, तीसरे पे काम हो रहा है, लगातार अपडेशन करेंगे। फिजिक्स में भी एक चैप्टर पढ़ गया, दूसरे पे काम हो रहा है, अपडेशन चलते रहेंगे, जल्दी ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो असाइनमेंट वर्कशीट है, वो भी अच्छी बात क्या है बेटा कि हम लोगों ने इस बार थोड़ा इनडेप्थ चले गए हैं, ये टॉपिक वाइज आपके लिए बना दिए। टॉपिक वाइज मतलब कोई चैप्टर है तो उसमें भी टॉपिक तोड़ दिए हैं, किसी चैप्टर में दो टॉपिक, किसी में तीन टॉपिक और ज़्यादा है तो चार टॉपिक, जिससे आप अच्छी पकड़ बना सकें। इस वर्कशीट की खूबी क्या है, देखिए इन जनरल वर्कशीट बनती है तो उसमें 25, 30, 40, 50 कुछ भी क्वेश्चन भर दो, बच्चा लगाता रहेगा। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, मैंने खास तौर पे ये कोशिश की है कि वर्कशीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है साथ में, लेकिन जो क्वेश्चंस हों वो हाईली इफेक्टिव हों। हाईली इफेक्टिव मतलब है कि आपका काम बना दें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और आगे कॉम्पिटिशन देना है तो उसके लिए भी मेंटली तैयार कर दें। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भर भर के देना बहुत आसान है, मैंने नहीं दिए, मैंने उतने ही दिए हैं जो आप बेहतर ढंग से बना सकें। तो ये वर्कशीट पे भी काफ़ी दिमाग लगा के काम किया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिस्ट्रिक्टेड रखे गए हैं, और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस या जिससे आप सीख सकते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और इससे रिजल्ट हम लोग को मिलता रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहे हैं, अब बच्चे शानदार रिजल्ट देते रहे हैं तो आप पूरा ट्रस्ट या विश्वास कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सूदिंग फिनोमिना होगा। तब मैं तीसरी बात भी लगे हाथ कर लेता हूँ बेटा, और एक चीज़ और बता दूँ कि जो असाइनमेंट वर्कशीट आपको मैं लोड कर रहा हूँ, ये 7 से 10 दिनों के अंतर पे अपलोड होती रहेगी। आप ऐसा मत समझिए कि अभी खोले और सारे चैप्टर्स की वर्कशीट आपको दिखने लगे, क्योंकि फिर आप करेंगे नहीं, रख लेंगे अपने पास। तो ध्यान ये रखना है कि हर 7 से 10 दिन के अंदर हम नई नई वर्कशीट लोड करते रहेंगे अगले चैप्टर्स की। तो आप बने रहिए, वीडियो देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस तो करेंगे ही आप, और साथ में असाइनमेंट्स वगैरह लगाने वो मिलते रहेंगे 7 से 10 दिन में। अब बात करते हैं कि इसमें हम लोगों ने डाउट क्लियरिंग सेशंस भी डाले हैं। देखिए डाउट क्लियरिंग सेक्शन के हम लोगों ने बहुत ही केयरफुली प्लान किया है। आपको जो जहाँ से विद्याकुल पे आप जाएंगे, ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा, आपको विद्याकुल पे मिलेगा, और ये सब लिंक के अंदर आपको दिया है, वहाँ पर डाउट सेक्शन है, वहाँ डाउट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी, अभी रोज ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको एक अप्रोप्रिएट जवाब दे सकूं, और ये जल्दी ही मैं लाइव भी आपके लाइव आकर आपके डाउट्स को क्लियर भी करूंगा। जैसे चैप्टर 1 की बात है, उसमें कोई बच्चा कंफ्यूजन में है, कोई पॉइंट वो लिख के दे रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि रूबरू होके लाइव आके उसको बता सकूं। तो डाउट क्लियरिंग भी करेंगे हम लोग, जिससे आपकी आपको कॉन्फिडेंस हो और जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो सकें। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, थोड़ा सा अच्छा होगा, बड़ा लिखूंगा कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ना, इनका हम लोग अपडेशन भी करते हैं बराबर। मैं खुद आपके लिए अपडेशंस करता हूँ, और जैसे न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे सब, ये क्लास 12th, 11th और 10th के लिए एप्लीकेबल है, तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, कि 12th क्लास का बच्चा हो, 11th का हो, 10th का बच्चा हो, ये वीडियो लेक्चर्स अपडेट होते रहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमको देते रहिए कि बेटा आपको कोर्सेस क्या मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस पर विश्वास कीजिएगा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी मदद हो। और ये फीडबैक आप जैसे देंगे, हम आपको मदद करते रहेंगे, भरकस प्रयास करेंगे कि आपको शानदार सपोर्ट मिल सके। और ऐसा हुआ ही है,
495 आए हैं बच्चे के 500 में रौनक के, जिसका मैंने पोस्ट भी किया था, आप यूट्यूब पे देखें, कई इधर आप सारी चर्चाएं चली रही हैं, आपके सामने ही आ रही होंगी, इंटरव्यू भी लेके मैं डाल रहा हूं, जो बच्चे भेजते हैं मैं से कुछ डाल पा रहा हूं, सारे डालने संभव नहीं है। तो शानदार परफॉर्मेंस निकल के आई है बच्चों ने। एक कार्तिक जोशी बच्चा है, उसके 100 में 100 मैथ्स में, 100 में 100 साइंस में, क्लास 10th का है, उसमें आए हुए हैं। तो यही सब प्रूवन चीज़ें हैं। तो मैं आपके साथ वही चीज़ आपको देना चाहता हूँ जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपके लिए ऑफर कर सकें। तो ये आप फीडबैक देंगे और मैं आपको वीडियो अपडेट करके भी दूंगा कि मान लीजिए कोई टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो या तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ उसको आके, या आपको तरीका बता दूँ कि बेटा इस तरह इसको समझना है। तो ये सारी बातें जो पहली स्लाइड में मैंने बताई हैं आपको, ये सारी बातें आप मेरे साथ, और देखिए मेरी गाइडेंस तो आपके साथ रहेगी, मुझे वो गाइड करने में मज़ा भी आता है एक्चुअली। तो वो आपको सफलता भी दिलाएगी और मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिलाएगी। तो वीडियो लेक्चर्स आपके साथ रहने वाले हैं बराबर बिल्कुल, और कैसे रहने वाले हैं, पूरा कोर्स कवर है बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। आप पूरे की पूरी तौर पे डिपेंड कर सकते हो उन वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। असाइनमेंट वर्कशीट मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, आपको बहुत हेल्प करेगी। डाउट क्लियरिंग सेक्शंस मिलेंगे जैसे मैं आपको बात कर रहा था, और साथ में जैसी मैंने बात अभी की कि आपके फीडबैक पे को बेस मानते हुए हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स के जो मैं अक्सर करता हूँ, या किसी और चीज़ के हों। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी कि ये आपको क्या मिलेगा। ये पूरी चीज़ देखिए, ये जो चार चीज़ें आपके लिए बोली हैं, पूरे वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट वर्कशीट, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, फीडबैक पे बेस्ड अपडेशन वीडियो, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई में चार चांद लगा देंगी। तो मेरी कोशिश है कि जिन बच्चों से मैं एकदम फिजिकली नहीं मिल पा रहा हूँ, चाहे वो बड़े शहरों में हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका उनको पसंद है अगर अच्छा लगता है, या जो गांव दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ पे वो सुविधाएं ऑफर नहीं हो पा रही हैं, तो उनको दो कदम बढ़ा के हम मदद कर सकें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं यही बोलूँगा, अंत में बोलता हूँ कि आप ज़रूर लिंक को विज़िट कीजिएगा। सैटरडे को 11 तारीख को शाम 8 बजे हम दो कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, आप ज़रूर देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए बेटा। और मैं तो आपके साथ ही हूँ, अंत में यही बोलूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। जम के पढ़ो, कस के पढ़ो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपना नाम रोशन करो, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करो बेटा, और ऐसा काम करो कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। आप देश की मुस्कुराहट हो, मुस्कुराओ, पॉजिटिव थाट रखो, और अपने दोस्तों में भी पॉजिटिविटी इन्थ्यूज़ करो, भर दो एकदम। गॉड ब्लेस यू।